बूट की सब्जी, हमारे यहाँ इनको बूट कहते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ इनको क्या कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको एक छीलना बताते हैं। फ्रेंड्स हमें इस तरीके से छील लेनी है, ये छीले से छिलने में छीलेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें सब छील लेने हैं और ये हमारे सब छिल चुके हैं। फ्रेंड्स ये अंदर से लाल निकलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने छील के तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स ये अंदर से लाल लाल निकलते हैं, हम देख सकते हैं। चलिए अब हम इनको धुल के अच्छे से वॉश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम इन्हें अच्छे से धुल लेना है, हम इन्हें 2-3 बार अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरीके से गोल गोल पीस में इन्हें काट लेना है, इन्हें ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। देखिए फ्रेंड्स हमारे सभी कटके हो गए हैं तैयार। देखिए फ्रेंड्स हमने 2 गंठी लिया है प्याज और 1 गंठी लहसुन और थोड़ी सी अदरक। अब हम इनको छील लेंगे। चलिए फ्रेंड्स इनको हम छील लेते हैं। इसी तरीके से हमें लहसुन को भी छील लेना है और प्याज को भी। देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा। देखिए फ्रेंड्स हमने अदरक को और लहसुन को और प्याज को छील लिया है। अब हम प्याज को काट लेंगे, इसे हमें पीसना है। हम तीनों चीज़ों को एक साथ पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने काट लिया है, अब हम इसे धुल के पीस लेंगे। चलिए हम इसको पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने लहसुन प्याज को पीस के कर लिया है तैयार। देखिए फ्रेंड्स हमने ली है ये हरी मिर्च, अब इन हरी मिर्च को हम मशीन से काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको हम काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने हरी मिर्च भी काट के तैयार कर ली है। देखिए फ्रेंड्स हमने रख दी है कढ़ाई, अब हम इसमें डाल देंगे तेल। देखिए फ्रेंड्स हम इसमें तेल डाल दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसको डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने बूट को कढ़ाई में डाल दिया है, इसे हमें बिल्कुल ब्राउन कर लेना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स बूट का कलर हो गया है ब्राउन, अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमने बूट को लिया है निकाल। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें और तेल डाल देंगे, तेल हमने डाल दिया है, तेल को हम अच्छे से पक जाने देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जीरे को हमें अच्छे से लाल कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स जीरा लाल हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे मसाला लहसुन प्याज।
देखिए फ्रेंड्स, हमने लहसुन प्याज को डाल दिया है और हम लहसुन प्याज को भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हो गया है ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हमने हरी मिर्च को डाल दिया है। अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और बाकी जो मसाला था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। ये मसाला हम घर पर तैयार करते हैं फ्रेंड्स। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। एक चौथाई चम्मच से कम गरम मसाला, बहुत कम मात्रा में ही। और स्वाद अनुसार नमक। देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। हम इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। फ्रेंड्स, ये पानी कम ही मात्रा में डालना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ढक देते हैं। अब हम इसको 5 मिनट बाद देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये गले नहीं है अच्छे से। हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट बाद फिर देखेंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। देखिए फ्रेंड, देखने में सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन घंटे भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।